ये हमारा देसी जुगाड़। छोटी मम्मा क्यों? कुफरी इस टाइम हम पहुंच चुके हैं। कितना खतरनाक है पहाड़ ऊपर, वो नहीं गिरेगा। पंडित जी की जय हो। इससे ज्यादा खतरनाक आ गया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। इन विषय तो बाद में 1962 तत्व माता इसमें थी, 62 को शिफ्ट कर दिया। मंदिर से निकल चुके हैं, घर की ओर जाने का मन ही नहीं कर। तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल की एक नई वीडियो में। घर पे इस टाइम मैं हूँ, तो जिस सेलिब्रेशन को अटेंड करने के लिए मैं आया था वो सेलिब्रेशन हो चुका है। परसों वो सेलिब्रेशन था, कल वाला दिन मैंने पूरा रेस्ट किया क्योंकि किन्नौर से यहाँ तक मैं बाइक में आया था। पिछली वीडियो में आपने देखा भी था, मैं अपने मम्मी पापा को किन्नौर घुमाने ले जा रहा हूँ। तो प्लान ऐसा था कि पहले हम ऑल्टो 800 का जुगाड़ कर रहे थे, लेकिन किसी कारण से ऑल्टो 800 का जुगाड़ तो नहीं हुआ। आप सभी को जैसे पता ही है कि हमारे पास मारुति 800 है, जा सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उसमें थोड़ा कंफर्टेबल नहीं रहेंगे, थोड़ा 8-9 घंटे का क्योंकि सफर है। मम्मी पापा रेडी हो रहे हैं, मैं भी रेडी होता हूँ, फिर हम थोड़ी देर में निकलेंगे यहाँ से किन्नौर की तरफ। ये हमारा देसी जुगाड़, वहाँ से ठंडा पानी डालेंगे, यहाँ से गर्म पानी बाहर आएगा, इसको बोलते हैं हमाम। तो मेरे घर के साथ ही हमारे देवजेश्वर महाराज का मंदिर है, तो मंदिर जाते हैं और भगवान जी का आशीर्वाद लेते हैं और निकलते हैं अपनी जर्नी की तरफ। हमारे देवता जी का मंदिर यहाँ पे है। हेलो चाची। चाची। छोटी मम्मा क्यों? खुश हो गया? कर दो। जाओ बोलो, जाओ दो। जाओ दो। जाओ दो। जाओ 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 जी, बहुत हो गया, जाओ जाओ। तो ये अपनी धन और रानी यहाँ पे खड़ी हुई है। इस वाली गाड़ी में हम जाएंगे अपनी मारुति 800, और वहाँ मेरा घर है नीचे, तो मैं आ गया हूँ, मम्मी पापा आ रहे हैं नीचे से। तो गाइज इस टाइम हम लोग रेडी हो चुके हैं और अपनी 800 में ही जाएंगे। वैसे तो भाई बोल रहे थे कि दूसरी 800 ले जाओ, मतलब ऐसा कुछ, लेकिन मेरे को पता नहीं क्यों इस गाड़ी के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा भरोसा है। मेरे को ऐसा लगता है कि इसको हम अच्छे से ले जा सकते हैं। मम्मी पापा भी आ गए हैं, तो निकलने के लिए रेडी है। इस टाइम लगभग 12 बजने वाले हैं, निकलते हैं, सफ़र लंबा है, तो धीरे धीरे चलेंगे आराम आराम से। तो ये जो आप ट्रिप देखने वाले हैं, इस ट्रिप को मैंने इस तरह से प्लान किया था कि मेरे बाकी के जो फैमिली मेंबर्स हैं वो भी इस ट्रिप को ज्वाइन कर सके, लेकिन अपने कुछ रीजन की वजह से बाकी के फैमिली मेंबर्स इस ट्रिप को ज्वाइन नहीं कर पाए। तो मेरा जो अल्टीमेट गोल था मम्मी पापा को किन्नौर घुमाने का, फिर मैंने उसी प्लान को कैरी फॉरवर्ड किया और बाकी के जितने मैंने प्लान बनाए थे वो सारे मैंने कैंसिल कर दिए। और मम्मी पापा तो कभी भी इस तरह घूमने फिरने कहीं गए भी नहीं, वो तो हमेशा गाय बकरी भैंस और खेतों के कामों में ही हमेशा उलझे होते हैं। इस बार भी उन्हें बड़ी मुश्किल से घर के कामों से फ्री करके मैं उन्हें किन्नौर घुमाने ले जा रहा हूँ। बहुत ही सुंदर सुंदर प्लेसेस पे हम लोग घूमने जाने वाले हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर वीडियो जरूर करना। तो कुफरी इस टाइम हम पहुंच चुके हैं और हम खा रहे हैं टिक्की। काफी टाइम लग गया, लगभग 2 घंटे हमारे को शिमला का ट्रैफिक क्रॉस करने में लग गया। इसके बाद निकलते हैं, लगभग 4-1 बज गए हमारे को। 12 बजे हम घर से निकले थे, 4 घंटे का सफर हमने कर लिया है, 2 घंटे तो हमारे को इधर ट्रैफिक में लग गए थे। बस अब इसको खाते हैं और चलते हैं फिर आगे की ओर। रात के लगभग 8 बज चुके हैं और रामपुर बुशहर हम पहुंच चुके हैं। अब तो यहाँ से सिर्फ 1 घंटे का ही रास्ता किन्नौर के लिए बचा है, तो 9:30 हम आराम से निगुलसरी पहुंच जाएंगे। सतलुज व्यू में हम डिनर करते हैं और आराम आराम से चल के आराम से निगुलसरी पहुंच के सो जाते हैं, रेस्ट करते हैं, बाकी फिर हम सुबह मिलते हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो शाम को लगभग 11 बजे हम यहाँ किन्नौर पहुँच गए थे। पापा नहा धो के रेडी हो गए, मम्मी नहाने के लिए गए। प्लान कुछ ऐसा है कि आज हमने त्रंडा मंदिर जाना है, त्रंडा ढाक जाना है और उसके बाद सराहन टेंपल जाएंगे, उसके बाद शाम को आके यहीं पे ही हम रेस्ट करेंगे। रेडी होते हैं, खाना खाते हैं और निकलते हैं। Yeah.
पापा पता नहीं क्या देख रहे हैं। रूपी है उधर, रूपी रूपी गांव है। वो नहीं हुआ था जो लैंडस्लाइड, इसमें बहुत सारे लोग मर गए थे, निकल सर वो है वो कार सामने जहाँ वो ट्रक नहीं जा रहा, देखो हाँ जहाँ ट्रक जा रहा है। अरे उसका चिप्स बन गया ना ऊपर ही, ऊपर नीचे भी नहीं जा सकी, और नीचे जाके थोड़ी सी वहीं रुक गई ऊपर ही। कपिल के घर को जाने का रास्ता है, नहीं कहाँ जा रहा। अभी त्रिंडा मंदिर तक हम लोग अभी जा रहे हैं पैदल पैदल, चलाने आ रहे रात दिन पता इतना बड़ा होला तो बैठो ना अपनी खिड़की खोल दी हमला देख के डर लो। पुल इतना सा है तो पूरा पूरा ही है, बस तो पूरी पूरी आती है इसमें, चलाने आ रहे। हम्म, इतना खा ले पान दे ना, ठीक है पर हटे खा ली। अरे नहीं बस फटो व्यू ले, ये तो पूरा उसी हिसाब से बनाया हुआ है ना, ताकि नीचे जो भी बस जा सके आ सके। जी हो गया यहां पर तो मान लो खा ले, खा ले ना, कितना खतरनाक है पहाड़ ऊपर। मम्मी तो अभी लगी फोटो खींचने, मम्मी ने अभी त्रंडा ढाक नहीं देखा, जो त्रंडा ढाक देखेगी तो हैरान हो जाएगी। पंडित जी नमस्कार, पंडित जी की जय हो, कैसे हो? ठीक है, आप कैसे हैं? बढ़िया। अभी पहुंचे ट्रक पे, जब आ रहे हैं थोड़ा भी घुमाने फिर चलते हैं। हो गया आपका काम? चलो चलो। प्रेशन आप जो सेट हो गया ना इसमें वो नहीं गिरेगा, फिर सेट सेट ही हो गया। वापसी में आना? कैसे वापसी में? चल करिए। हाँ 10 मिनट की बात है। चलो आगे आगे, इससे ज्यादा खतरनाक आगे इससे। हाथ से बनाई है ये, उसके बाद मशीन आ गई। हाँ माता जी को यहाँ पर तभी तन्ना मंदिर स्थापित किया, अच्छा तब जाके बनाए, अदरवाइज ये नहीं चीज नहीं बनती, यहाँ दिक्कत ही हो रही थी बहुत ज्यादा। वो है दिक्कत तो है ही, दिक्कत पर तो पक्का है, ऐसा कच्चा नहीं है। हाँ ना पक्का है ये, तो पक्का है ना, आसान नहीं था बहुत। देखिए कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, डर तो लग रहा है आपको? हाँ तभी तो आप यहाँ के लोग सही सलामत है, बिल्कुल हमारे कहाँ ऐसी पहाड़ियाँ। बनाने वाले कैसे बनाया? कभी तो बना लो ये मंदिर पीछे। त्रिंडा मंदिर त्रिंडा ढाक से हम घूम के आ गए, अभी हम वापस निगुलसरी पहुँचते। कपिल जी हमारे साथ नहीं आ रहे, उनको क्योंकि वो घर में कुछ काम कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल हम निगुलसरी में और निगुलसरी से चलते हैं, धीरे धीरे फ़ोटो फोटो खींचते हुए जाएंगे, रॉक टनल पे फ़ोटो खींचेंगे और जो किन्नौर का बॉर्डर है वहाँ फ़ोटो खींचेंगे। मतलब लोगों ने ऐसे बनाया हुआ हाथ से, पहले कीमती हो जाए फिर खुला करने की बारी आई ना, हो लेने की सोच रहा हूँ मैं। इसका टॉप मॉडल ठीक नहीं है? हाँ ठीक है, दादा रुचि दी भी है। प्रमोशन होती मैं ये वाली गाड़ी निकाल लूँगा। गाड़ी तो चाहिए चाहिए, अब बाइक नहीं चलती भाई, इतने अब सामान लेना। ये है जी किन्नौर की रॉक टनल, ये भी पहले ऐसे बनाई होगी ना शायद, मतलब कि छोटी बनाई होगी, फिर बाद में उसमें ब्लास्टिंग कर करके ना, ब्लास्टिंग कर करके इसको खुला किया हुआ है फिर बाद में। तो ये हमारे कपिल जी की गाड़ी है, पूरा किन्नौर हमने इसी कपिल जी की गाड़ी में बढ़िया से घूमना है। उधर पुष्पांत का घर,
यहाँ पहाड़ी जैसे दिख रही है, तो पहाड़ी से इधर वाली साइड है ना गाँव, गाँव से इधर वाली साइड ऊपर को नहीं है, ऊपर जैसे इसमें है कहीं घर इसका। ये पहुँच गए जी हम माता के मंदिर में। बस मैं तो जाऊँगी। ये है जी भीमा काली माँ का मंदिर, बना तो काफी पुराना होगा है मंदिर। नहीं ये बना है पंद्रह वाला, बना 1934 में ऊपर का है ये वाला, पहले थे ना इसमें मंदिर, वो तो कुछ दूसरे स्टाइल के, फिर नया बनाया है 1934 में। इधर को ये भी मंदिर ही है क्या? ये भी मंदिर ही है, ये था बहुत सदियों पुराना मंदिर, इसको 2006 में रिनोवेट किया। इस वाले लेफ्ट राइट वाले को ना अभी इसमें नहीं जाने देते, इसमें कुछ नहीं है बंद रहा। 1962 तक तो माता इसमें थी ना, अच्छा फिर 62 उधर को शिफ्ट कर दिया। अरे परे को मतलब ऐसा था, ये राजा साहब का अपना ही मकान था, कभी पूर्वज यहीं रहते थे। अच्छा अच्छा, इसी में जगह माँ थी, एक जगह खुद रहते थे, खाना पीना सारा इधर ही हो गया। अच्छा अच्छा, फिर बार बार को बढ़ते गए, फिर इधर को आगे बुलाया, इधर रहने के लिए महल बुलाया गया, फिर कभी इधर भी हवन वन होता हमारे खड्डे सिंह देखते पूरा कंकाल लगाया। मम्मी पापा कुछ ज़्यादा ही मगन हो गए, आई नहीं दे नीचे, इधर से आओ नीचे को। क्या है मेन चीज, क्या है देखो क्या है, पैसे फेंक रहे सिंदे चढ़ाने है कुछ इसमें, कुछ अच्छी का पौधा है इधर एक देख ना। आ रे यार देखी क्यों बड़ी बड़ी से हम चुगु बना देखो एक देखो गुच्छी वाले ना देखो हां बोलो गुच्छी गुच्छी का बोलो नहीं नहीं निकलोगे सब आई नहीं ओके बड़ी बड़ी हां चुगु इधर राजा महाराजाओं के वो है अस्त्र शस्त्र यहाँ क्या क्या यूज करते थे। मैं तो पैरों में ठंड लग रही है, ठंड लग रही है आपका? नहीं मैं तो पैरों में ठंड लग रही है। कढ़ाया देखो इतने बड़े कढ़ाया का क्या करते हैं? बंगार आ गया ना हाथ की काश्तकारी है क्यों? ऐसा बात है कलाकारी है, इसमें कोई लग रहा है मशीन काम नहीं है। हाथ का है, हाथ का हाथ की का। यहाँ जब बर्फ़ पड़ती है तब की फोटो है, बर्फ़ पड़ती है तो ऐसा हो जाता है मंदिर पूरे थे पड़े पानी। मैं तो पैर ठंडे हो गए, तो जब कभी ठंडे रखने में पैर तो ठंडे। आप लोगों को नहीं लगेगा ठंड? हर को आदत है भाई। सही में? हाँ ऐसे कैसे हो सकता है, आप लोगों को ठंड नहीं लगी? आदत ही नहीं ना यहाँ, कैसा ना एक बार बैठ के ना दिल करता बस जाना यहीं बैठे रहो शांत। जब बुलावा आता है तभी आदमी आ सकता है, इसमें आ सकता है। मुझे तो बड़ा ही शांत जैसा लगता है। शांत बिल्कुल शांत, अगर कोई सच्चे मन से कोई ध्यान करे देखे तो माँ साक्षात सामने दिखती है। तो माता रानी के दर्शन करके अब हम लोग
मंदिर से निकल चुके हैं, मंदिर से निकल रहे हैं, माता रानी के दर्शन हो गए हैं। अब जा रहे हैं घर। घर गिरता तो नहीं, यहाँ से गिरता नहीं, नहीं फिट है, देखो ये देख लो फिट है। तो गाइज अब हम लोग भीमा काली माता मंदिर से आ गए, तंडा मंदिर भी गए, तंडा ढाक भी गए, अच्छे से फोटोज़ वगैरह भी क्लिक करी। उसके बाद हमने सराहन बुशेर आना था यहाँ पे भीमा काली माता के मंदिर में। लगा बहुत अच्छा। यहाँ से तो घर की ओर जाने का मन ही नहीं कर रहा है। नहीं करता ना। हाँ। मेरा खुद मेरा ऐसा लगा था ना कि मैं बैठा रहूँ ना, इतना क्या शांत, इतना सुंदर मंदिर तो आज अभी तक हमने कहीं ना शोर ना कुछ नहीं, कुछ क्या शांत, जितनी पौड़ी ऊपर चढ़ते गए उतनी शांति मिलती गई। हाँ नहीं, एक्चुअल में बहुत सही है मंदिर ना, इधर मैं जब भी आता हूँ ना, मैं हम सोचते हैं ना कि 5-10 मिनट को बैठेंगे, लेकिन इधर 1-2 घंटा ही लगा के ही जाते हैं हम हमेशा। तो मैं माँ से प्रार्थना करती हूँ अगर माँ हमारे को फिर से इधर फिर से बुलाए मंदिर में, और हम फिर से आए इस स्थान पर। कपिल का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे को उसने अच्छे से गाइड किया है, हमारे को लिफ्ट दी है, बहुत अच्छा है लड़का, इसलिए उसका बहुत बहुत धन्यवाद। यानी एक्चुअल में कपिल जी का धन्यवाद मैं इसलिए भी करना चाहूँगा क्योंकि मैंने कपिल जी को ऐसा बोला कि भाई देखा मैं कहा अपने मम पापा को इन्हें दूर से ला रहा हूँ है ना 800 में, मैं वहाँ से 800 में लाऊँगा, यहाँ भी 800 में, ये थोड़ा कम्फर्टेबल फील होना चाहिए। तो उसने पता नहीं अपने भाई से लड़ झगड़ के, अनिल भाई से है ना, पता नहीं अनिल भाई को शायद ड्यूटी जाना था, फिर बंदा स्पेशल उनको पहुंचा के ड्यूटी पहुंचा के फिर वापस आया बंदा अकेला। देखो इतना नहीं करता है कोई भी, कोई नहीं करता। अगर आप मतलब सब अपना अपना सोच, तो देखो गाड़ी दे दी उसने पूरी है ना, तो इतने विश्वास के साथ नहीं करता कोई, कोई नहीं चाहे नहीं करता है कोई नहीं भी करता कोई ऐसा। नील भाई उनकी उन्होंने भी मतलब काफ़ी या ड्यूटी भी पहुंच गई और फिर गाड़ी भी दे दी। गाइस आज की इस वीडियो का एंड भी हम यहीं पे करते हैं। आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और हमारे चैनल पर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो अगली वाली वीडियो में हम बेसिकली कल कल्पा सुसाइड पॉइंट जाने का है, सुसाइड पॉइंट हम जाएंगे और छितकुल जाएंगे जहाँ पे इंडियाज लास्ट विलेज है, तो इस तरह का कुछ प्लान है। बाकी अगली वीडियो में आपको अच्छे से देखने को मिलेगा। तो बाय 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 बाय।